की शादी में एक पल ऐसा होता है जो हंसने वाले लोगों के आंखों में अश्रु की धारा बहती है, वो पल होता है बेटी की विदाई का। बेटी की विदाई के वक्त कितना भी वज्र कलेजा का बाप क्यों न हो, कितना भी कठोर दिल का भाई क्यों न हो, लेकिन जिस समय बेटी की विदाई की वेला आती है, हंसने वाले लोगों के आंखों में भी अश्रु की धारा बहती है। श्रोताओं, देवकी की जब विदाई का वक्त आया तो देवकी चलते समय भैया कंस की छाती से लगकर के फूट फूट के रोई और एक बात कही, भैया ईश्वर तूने बेटी का कैसा भाग्य बनाया है, ईश्वर तूने बेटी का कैसा भाग्य बनाया देवकी भैया की छाती से लगकर के फूट फूट के रोई, ईश्वर तूने बेटी का कैसा भाग्य बनाया है, जिस घर में बली पापा जिस घर में बली पापा वो होगा पराया भैया। तेरी मुझे बचपन से पाला पापा ने, मुझे बचपन से पाला पापा ने, खूब लाड़ लड़ाया किसे बोलो बेटी है पराई क्यों, क्यों नाम किसे बोलो बेटी है पराई क्यों, जिस आंगन में खेली में खेली कूदी वो होगा विगाना है,
देवक ने देखा बेटी जा रही है। देवक भागते हुए आए, बेटी देवकी को छाती से लगाया। देवकी ने पिता को आते देखा, भागकर के पिता के गले में गलबहियां डाली और रोकर के देवकी बोली, पिताजी जिसी को किश में आई उससे आया भाई, जिसी को किश में आई उससे आया भाई। फिर ये तो बताओ पापा, फिर ये तो बताओ पापा, फर्ज कैसा निभाया पापा, जिसी घर में पली पापा वो हुआ पराया है। देवकी को रो